गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके मंजीत सिंह की आज फिर से जदयू में वापसी हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हालांकि मंजीत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और एक तरह से कह सकते हैं कि जदयू के खिलाफ बगावत की थी। पिछले दिनों जब मंजीत सिंह की एक तस्वीर वायरल हुई थी और उसमें उन्होंने विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और यह घोषणा की थी कि 3 जुलाई को वो RJD में शामिल होंगे, उसके बाद जदयू के द्वारा ऑपरेशन मंजीत की शुरुआत की गई और खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह समेत अन्य जदयू नेताओं ने मंजीत सिंह को मनाने की कोशिश की और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मंजीत सिंह ने जदयू में वापसी का निर्णय लिया। आज जदयू में मंजीत सिंह की वापसी हो गई है और वापसी के साथ ही मंजीत सिंह को प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। मंजीत सिंह की तारीफ करते हुए जदयू नेताओं ने उन्हें एक सफल कार्यकर्ता और संगठनकर्ता बतलाया है और एक तरह से कहिए कि मंजीत सिंह को जो सम्मान दिया गया है निश्चित रूप से वह काबिल तारीफ है। कि जिस नेतृत्व का आज बिहार में कोई विकल्प नहीं है, उस नेतृत्व को बिहार में स्थापित करने में जितना बड़ा योगदान मंजीत जी, इनके पूरे परिवार, इनके पिताजी के समय से, ब्रजकिशोर बाबू के समय से जितना बड़ा पूरे खानदान का योगदान रहा है, तो चाहे कहीं भी रहे ये जनता दल यू के दिल से अलग कर सकते हैं क्या? इस पार्टी पर जितना हमारा हक, जितना हम सबों का हक है, उससे एक नया पैसा कम मंजीत जी का हक है। मंजीत जी समता पार्टी के समय से जुड़े हुए, इनके पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर बाबू ने अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में मंजीत जी का हाथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुपुर्द किया और कहा कि आपके हवाले प्रतिष्ठा की स्थिति में अगर कोई पहुंचाया तो उनका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी और उसी उनके सानिध्य में हमारी आज तक राजनीति फलता फूलता रहा, इलाके का विकास हुआ, क्षेत्र का विकास हुआ और जब हम उनको छोड़कर चुनाव लड़ रहे थे तो आज 10 महीना मेरे लिए बड़ी कष्ट और पीड़ा का समय था। मुझको लगता था घर छोड़ने के बाद कि हमारा एक वनवास सा हो गया, लेकिन हमको अपने घर में आने पर, अपने राजनीतिक पिता के घर में आने पर हमको अपार भरोसा। हालांकि विधानसभा चुनाव में जदयू की जो स्थिति कमजोर हुई है उसके बाद जदयू ने इस पर चिंतन और मंथन करना शुरू कर दिया है और पार्टी के जो भी पुराने नेता हैं, जो मजबूत नेता रहे हैं, उनके घर वापसी की कवायद शुरू की गई है। उसी की कड़ी में आज मंजीत सिंह की घर वापसी है। अब देखना है कि मंजीत सिंह के आने से जदयू को कितनी ताकत मिलेगी, लेकिन फिलहाल मंजीत सिंह की घर वापसी से जदयू ने एक संदेश दिया है कि पार्टी के जो पुराने चेहरे रहे हैं, पुरानी के जो मजबूत पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनको घर वापसी लाना और खास करके सवर्णों के बीच पार्टी की जो स्थिति कमजोर हुई है उसको फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना।